आज मंडी अग्रवाल धर्मशाला में ये बैठक का आयोजन किया गया है। तीनों मंडलों से कार्यकर्ता उपस्थित है। आज इस सोना विधानसभा के तीनों मंडलों के संजय सिंह विधायक जी ने टिफन जो है प्रोग्राम चला है भोज का प्रोग्राम, उसी के निमित्त लेके आज ये हमारा जुलाई को नुहू में आयोजित मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए सोहना विधायक कंवर संजय सिंह द्वारा सोहना के अग्रवाल धर्मशाला में टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस बैठक में भोंडसी, तावड़ू और सोहना सहित तीनों मंडलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं व मौजूद लोगों को टिफिन पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। लेकिन टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में सोहना के लोगों की मौजूदगी बहुत कम देखने को मिली, जिसके चलते विधायक 2 घंटे देरी से बैठक में पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ नाम मात्र लोग ही विधायक के साथ लंच में शामिल हुए। आज जैसा केंद्र हमारे संगठन ने जो है निश्चित किया है कि सभी स्थानों पर हमारे जनप्रतिनिधि टिफिन बैठक का आयोजन करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होंगे। इसी क्रम में आज सोहना स्थित अनाज मंडी अग्रवाल धर्मशाला में ये बैठक का आयोजन किया गया है। तीनों मंडलों से कार्यकर्ता उपस्थित हैं। माननीय विधायक जी का इंतजार है, आते ही बैठक की शुरुआत करेंगे। लेकिन अक्सर यहाँ पर देखने को मिला कि सोहना शहर के काफ़ी लोग अब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कारण क्या है? बैठक अर्ली कॉल है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, और कुछ बात ये भी है कि वर्किंग डे है और दिन का समय है तो सब लोग अपने कुछ काम धंधे में बिजी रहते हैं, पर बाकी ज़्यादातर लोग आए हैं, संख्या काफ़ी में कार्यकर्ता पहुँचे हैं तीनों मंडलों से, और जब जल्दी बैठक की शुरुआत करें। आज इस सोना विधानसभा के तीनों मंडलों के संजय सिंह विधायक जी ने टिफन जो है प्रोग्राम चला है भोज का प्रोग्राम, उसी के निमित्त लेके आज ये हमारा प्रोग्राम लगा है विधायक जी के जी। तो 10 बजे का समय दिया गया था, 12 बज गए, अभी तक लोग इकट्ठे नहीं हुए, विधायक की भी नहीं आए, क्या कारण रहा? लोगों तो टाइम तो 10 बजे का थोड़ा सा टाइम लग रहा है, विधायक जी की नहीं जाने, सभी लोग आ गए तो कब तक प्रोग्राम शुरू हो जाएगा? अगले 10 मिनट में विधायक जी पहुँचने वाले, विधायक जी आते ही साथ ही प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 2 घंटा लेट होने के कारण क्या रहा विधायक जी के 10 बजे का प्रोग्राम था? विधायक जी अपने को निजी काम रहा होगा, कहीं गए होंगे तो इसलिए विधायक जी पहुँच नहीं पाए। लेकिन शहर के लोग भी बहुत कम देखने को मिले हैं यहाँ पे, सभी अचाने की प्रोग्राम मनाता है, रात को मैसेज मिले तो लोग अपने काम भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सभी लोग आ गए हैं। टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में देरी से पहुंचे विधायक संजय सिंह छोकर ने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचने के बाद जहां उनके साथ लंच किया, वहीं दूसरी तरफ मीडिया को दिए बयान में कहा कि बीजेपी पार्टी धरातल पर काम करने वाली पार्टी है और सबका एक समान विकास करने वाली पार्टी है। लेकिन विधायक जी ने इस मौके पर सोहना के विकास के लिए कोई चर्चा नहीं की, शायद यही कारण रहा होगा जिसकी वजह से सोहना वासियों ने विधायक जी के कार्यक्रमों को नजरअंदाज किया, जो कि आने वाले चुनावों में एक सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर सकता है, जिसमें हमारे विधानसभा के करीब जो भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता है वो सब लोग बुलाए गए हैं, और आज उसमें जो मोदी जी के द्वारा किए गए 9 साल के जो कार्य है उनके विषय में चर्चा करना और उसको हर सभी को जानकारी देना कि मोदी जी ने पिछले 9 साल में कितने काम किए हैं और हम लोग आगे क्या काम करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने का तरीका है, देश की संस्कृति, सुरक्षा और हमारे इतिहास को बरकरार रखना, हमारे देश का मान सम्मान ऊंचा रहे, और मैं समझता हूँ मोदी जी जब से हमारे प्रधानमंत्री बने आज तक के इतिहास रहा है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री देश में नहीं आया जिन्होंने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम किया हो। खाली देश के विकास या गरीब बनाने से या उनसे विकास नहीं होता, देश की जनसंख्या, देश के लोगों के मन में देश की भावना को जगाना, देश की संस्कृति को जगाना सबसे बड़ा काम होता है, और ये जो एक जन आंदोलन हर व्यक्ति को अपने संस्कार, हर व्यक्ति को अपने कामों के बारे में जानकारी हो, उसके मौलिक अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता से काम करा, जिससे आने वाले समय में जो हमारा भारत देश है, जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था, वो दोबारा हमारा देश विश्व में नंबर 1 का देश बने। सोहना के अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किए गए टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे विधायक संजय सिंह ने जहां लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया, वहीं दूसरी तरफ नुहू मेवात में होने वाले प्रदेश मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का भी निमंत्रण दिया। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सोहना से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कितने लोग पहुंचते हैं या फिर वहां भी लोगों की उपस्थिति टिफिन पर चर्चा की तरह ही रहेगी। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।